तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने बाइनेंस ऐप में USDT TRC20 वैलेट का एड्रेस किस तरह कॉपी करना है। इसको TRC20 वैलेट एड्रेस भी कहते हैं। तो किस तरह कॉपी करना है आज की वीडियो में यही आपको बताऊंगा। नीचे देखें, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपने लास्ट वाले ऑप्शन वैलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और वैलेट्स में आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिपॉजिट क्रिप्टो वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। नीचे आपके पास बहुत सारे कॉइन वगैरह आ रहे हैं, ऊपर आपके पास एक सर्च बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ आपने सर्च कर लेना है USDT। जैसे सर्च करेंगे USDT, ओके सर, आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो USDT पर बहुत सारे आएंगे और टी आगे लगाएंगे तो सिर्फ एक आएगा, TRUS। तो इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे एक बार क्लिक करेंगे, अब आपने किस नेटवर्क के थ्रू अपने वैलेट्स में कॉइन मंगवाने हैं वो नेटवर्क टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो ट्रॉन TRC20 और BNB स्मार्ट चेन BEP20, ये दो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी नीचे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एथेरियम ERC20, पॉलीगॉन, सोलाना, मतलब के बहुत सारे वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो हम ट्रॉन TRC20 सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये आ चुके आपका एड्रेस। ओके सर, ये कॉपी कर, इसके सामने कॉपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। ये देखते हैं कॉपी हो चुका है। तो इस तरह आप ये एड्रेस अपना कॉपी कर सकते हैं USDT TRC20। ये आप देख सकते हैं TRC20 आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, इसी को TRC20 वैलेट एड्रेस कहते हैं। इस तरह आप कॉपी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।